अपने लेखन के जरिए अपनी इस सोच को आगे बढ़ाने वाले सैयद अहमद खान एक शिक्षाविद, समाज सुधारक, पत्रकार और इतिहासकार भी थे। खान ने राष्ट्र निर्माण के काम को आगे बढ़ाने वाली कई संस्थाओं की स्थापना भी की थी। सर सैयद ने किसी भी चीज़ से बढ़कर शिक्षा को माना था। महात्मा गांधी के ही शब्दों में ही कहे तो सर सैयद शिक्षा जगत के पैगंबर थे। सर सैयद अहमद खान का मानना था कि हिंदू और मुस्लिम एक दुल्हन की दो आंखों की तरह है। सैयद अहमद खान का जन्म 17 अक्टूबर 1817 में दिल्ली के सादात सैयद खानदान में हुआ था। उनके पिता का नाम सैयद मोहम्मद मुत्तकी और उसकी माता का नाम अजीजुन्निशी बेगम था। सैयद अहमद खां को बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, लेकिन 22 वर्ष की अवस्था में पिता की मृत्यु के बाद परिवार को संभालने की जिम्मेदारी इनके ऊपर ही आ गई थी। इसीलिए थोड़ी सी शिक्षा के बाद ही उन्हें आजीविका कमाने में लगना पड़ा। उन्होंने 1830 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी में लिपिक के पद पर काम करना शुरू किया। 1857 की महाक्रांति और उसकी असफलता के दुष्परिणाम उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। उनका घर तबाह हो गया, निकट संबंधियों का कत्ल हुआ, उनकी मां जान बचाकर एक सप्ताह तक घोड़े के अस्तबल में छुपी रही। अपने परिवार की इस बर्बादी को देखकर उनका मन विचलित हो गया और उनके दिलो दिमाग में राष्ट्रभक्ति की लहर करवटें लेने लगी। इस बेचैनी से उन्होंने परेशान होकर भारत छोड़ने और मिस्र में बसने का फैसला लिया। अंग्रेजों ने उन्हें बहुत लालच दिया, लेकिन उन्होंने राष्ट्रभक्ति को अपनाना बेहतर समझा। 27 मार्च 1898 को हृदय गति रुक जाने के कारण सैयद अहमद खां का निधन हो गया था। अंग्रेजों ने इनकी सेवा व निष्ठा को देखते हुए इन्हें सर की उपाधि से विभूषित किया था।